हाय एवरीवन, इसमें हमज़े एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रीवा अरोड़ा की रील्स पे। तो रीवा अरोड़ा जो हैं उन पे उनको मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है कि ये वही हैं जिन्होंने एक एक वीलॉग बनाया था एक ऐसे मोमेंट पे जो कि मेरे ख्याल में सूटेबल नहीं था। और फिर जो इनकी ट्रॉलिंग हुई, जो हेट इन्हें मिली, वो नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन हम देखते हैं इनकी रील्स कैसे होती हैं। हमने उस वीडियो पे रिएक्ट तो किया था, हमने भी अपने कुछ सजेशंस इनको दिए थे कि वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए छोड़िए, देखते हैं जनाब रील्स इनकी कैसे होती हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। वाओ, पीछे जो बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद में वैसा एक स्ट्रक्चर है। ये सॉन्ग पे बड़े रील्स बने थे, अगर आप इंस्टा फॉलो कर दी तो बहुत लोगों ने बनाया था। क्या बात, एज का इनका नहीं पता लेकिन ये लुक इन पे अच्छी लग रही है। बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स आने वाले हैं। ये लुक अच्छी नहीं लग रही। क्लिप भी ठीक ठाक पड़ा है। मुझे कहीं से नहीं लग रहा है शर्मा रही है। क्या सॉन्ग था ये? जब ये सॉन्ग आया था तो ये मेरे लूप पे था और मैं उन दिनों ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता था तो हर वक्त बजता था। बाहर बन के आऊ कभी तुम्हारी दुनिया में गुजरना, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की डाली को। आई गेस इन पे ना ट्रेडिशनल ड्रेस ज्यादा बेहतर लगता है। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। यहाँ पे अगर वेस्टर्न के बजाय जस्ट रिमेंबर इफ यू आर ऑन फायर स्टॉप ड्रॉप एंड रोल वन मोर टाइम से इट विद मी नाउ एंड रोल गेट इन डू इट लाइक प्रो। बच्चों की पॉइंट भी नहीं छोड़ी। बच्चे क्या देख रहे हैं? पॉइंट पॉइंट में बूटी शेक। बहरहाल टू बी ऑनेस्ट, रीवा अरोड़ा जी और उनके जितने पंखे हैं शायद बहुत सारे मुझसे एग्री करें, क्योंकि इन पे जो है ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस या मैं कहूँ कि ईस्टर्न जो सूटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक ही क्लिप्स था या शायद दो क्लिप्स थे जिसमें जो है ना ईस्टर्न जो क्लॉथ है अपने इंडियन साइड के जो क्लॉथ्स हैं वो थे और वो बहुत मतलब इन पे जच रहे थे। मैं सिंपल जबान में कहूँ तो बहुत अच्छे और जच रहे थे। तो वाज मच मोर अट्रैक्टिव इन ईस्टर्न क्लॉथिंग। या शायद हम क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट के हैं तो हमें ज़्यादा प्रेफर हम अच्छे लगते हैं, मतलब ईस्टर्न क्लॉथिंग किसी ने पहनी हुई हो या फिर जो इंडियन स्टाइल क्लॉथिंग है वो अच्छी लगती है यार, एज़ कम्पेयर टू लाइक जीन्स एंड स्कर्ट्स या फिर जो अंडर कट ड्रेसेस होते हैं वो किसी किसी पे सूट करते हैं। और अब हमारे यहाँ के जो रीजन की गर्ल्स हैं उन पे
ज़्यादा जो मुझे निखार जिसमें आते हैं ना, वो वही ड्रेसेस होते हैं जो हमारे अपने ड्रेसेस हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इन्हें अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, हम फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि हो सकता है मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री करें, बहुत सारे ना करें, लेकिन आई मस्ट से वो ज़्यादा बेहतर थे। सो आप बताइएगा, बाकी रिएक्शन तो आपने देख लिया, क्योंकि कुछ क्लिप्स अच्छे थे, कुछ हमें पर्सनली इतना उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे बुरे थे। कोई चीज़ बुरी नहीं होती भाई, देखो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, उसका आपको अच्छा ना लगने का ये मतलब नहीं है वो चीज़ बुरी है, ठीक है। कुछ अच्छे थे और कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सजेस्ट कीजिएगा, कोई नया क्रिएटर बताइएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे जिंदगी रही तो। सी यू गाइस।